हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का ATC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देख सकते हैं ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का 2016 क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 2015 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा चुका है, 2018 और 2021 का भी कर दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2016 में दो शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट वन है, देन यहाँ पर आपको शिफ्ट टू है। तो दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2015 में भी दो शिफ्ट था, 2016 में दो शिफ्ट, 2018 में तीन शिफ्ट हुआ था, 2021 में भी तीन शिफ्ट हुआ था। तो अगर आपने अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। BSc है तो भी एलिजिबल फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ, साथ ही साथ टेक्निकल अगर है BTech किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी डिसिप्लिन में BTech है आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि आपको इस डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो बहुत सारा रेयर ब्रांच होता है जिसकी कम वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल 400 यहाँ पे आपका वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया, सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं, ये आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपका फॉर्म आएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते रहेंगे 14 तारीख से। चेक कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो। अब शॉर्ट में मैं आपको इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका रिटर्न का इसका क्राइटेरिया है, पार्ट ए और पार्ट बी में आता है। पार्ट ए में आपका रहता है नॉन टेक्निकल, पार्ट बी में भी नॉन टेक्निकल रहता है, बट नॉन टेक्निकल एडवांस आपका सेक्शन में रहता है। जैसे पार्ट ए में आपका रहता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, और इसी में साइंस भी आता है। अब यहाँ पे करंट अफेयर भी इसी में आता है जनरल नॉलेज में। अब यहाँ पे जो पार्ट बी है तो पार्ट बी में डिफरेंस ये रहता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं बट वो एडवांस मैथमेटिक्स के रहते हैं, और फिजिक्स में भी एडवांस फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो चेक कर लीजिएगा, इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता है, टोटल 120 मिनट रहता है, 120 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आपका पूरा पेपर के बारे में। तो ये आपका शिफ्ट वन का है, यहाँ मैं आपको शिफ्ट वन के बाद शिफ्ट टू भी एक एक करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि स्क्रीन पे ये पॉसिबल नहीं है, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन को कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर रोकूंगा, देन उसके बाद मूव फॉरवर्ड कर दूंगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सेक्शन से है, देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सो यहाँ से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होता है. सो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सो इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन देन अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन. सो रीजनिंग का आपका पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. सो यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का. नेक्स्ट 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 सो यहाँ से हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का सेक्शन स्टार्ट होता है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का. देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है शिफ्ट वन का आपका 2016 का. अब शिफ्ट टू की बात करें तो शिफ्ट टू यहाँ पे देख सकते हैं. शिफ्ट टू का भी आपका यहाँ पे पेपर है. शिफ्ट टू स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके. सो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 2016 का शिफ्ट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सेक्शन से स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट then next then next then next 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 सो यहाँ से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होता है. इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सो इससे यहाँ से हमारा रीजनिंग का आपका सेक्शन स्टार्ट होता है. तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 सो यहाँ से हमारा एप्टीट्यूड यानी कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है. फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी का. देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सो यहाँ से हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का सेक्शन स्टार्ट होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 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 सो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आपका शिफ्ट टू भी. तो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों कंप्लीट हो चुका है. तो अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.